और उसके बाद वी विल हेड टू जयपुर। जयपुर जाने से पहले हमारे साथ चलते अंदर। हाँ भाई पहले सॉरी बोलो। सॉरी क्यों? और कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप इतने अमीर हो, और मतलब जो ये कमेंट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अक्ल होनी चाहिए। भाई हम यहाँ रुके हैं, अच्छा सा एक हम देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनों से, सबनों राम राम से, सबनों सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो भैया आज है सैटरडे, और जिस दिन ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन हम जा रहे होंगे जयपुर। जयपुर क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है जयपुर जाने का, वो मैं आपको जयपुर पहुंच के बताऊंगा। मीनवाइल मेरी एक मीटिंग स्केड्यूल्ड है सीपी के अंदर, तो मैं जा रहा हूँ सीपी। सीपी जाके करेंगे पहले बढ़िया सा ब्रेकफास्ट जैगरनॉट पे, जो कि 12 खंबा रोड पे, और उसके बाद वी विल हेड टू जयपुर। जयपुर जाने से पहले हमारे साथ कौन कौन जा रहा है? हमारे साथ जा रहा है प्रिंस, हमारे साथ जा रहे हैं हर्षदीप आहूजा, और हमारे साथ जा रहे हैं हर्ष। भाई हर्ष मेरा पार्टनर है गेट योर वेन्यू वाले वेंचर में, और पर्पस ऑफ जयपुर जो है वो एक बिजनेस मीटिंग का है। वहाँ जाएंगे और एक दिन का वहाँ पे रिलैक्स करेंगे, लेकिन मीटिंग करने के बाद, मीटिंग करने से पहले नहीं, मीटिंग करने के बाद। तो हम लेके जा रहे हैं जी वैगन। भाई इसको चलाने का क्या मज़ा आता है, आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग बट आई कैन ओनली शेयर इट विद यू। इसको चलाने का एक अलग लेवल का मज़ा आता है। मुझे यार सुनने में आया कि आपको आवाज़ सही नहीं सुनाई दे रही, तो उसके लिए हम आज माइक का कुछ इसमें उपयोग करेंगे। भाई मेरे पास माइक है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप इतने अमीर हो और माइक नहीं अफोर्ड कर सकते। भाई माइक ना, इट इज़ ऑल अबाउट कन्वीनियंस। अफोर्ड तो पता नहीं मैं क्या क्या कर लूँगा, बट लेट्स नॉट डिस्कस दिस थिंग। आपको ना थोड़ी सी, मतलब जो ये कमेंट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अक्ल होनी चाहिए, यू नो। आई थिंक द ब्रेन इज़ मिसिंग। कैसे मिसिंग है मैं आपको नरेट करके बताता हूँ। अगर पैसे नहीं होते मैं गाड़ी नहीं चला रहा होता, अगर पैसे नहीं होते तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहा होता। बात पैसों की नहीं है। वाई यू ब्रिंग एवरीथिंग ऑन मनी? अगेन आप लाइफ में प्रायोरिटी पैसे को दे रहे हैं या अपने काम को दे रहे हैं? ये मैटर करता है। जो लोग प्रायोरिटी अपने काम को देते हैं उनके पास ही पैसा आता है, तो और कोई रीज़न नहीं है। बाकी यार ये ना आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है वॉशिंग का। लोग एक वाइपर लेके निकल पड़े हैं और साथ में एक बॉटल रख लिया उन्होंने, और वो आपकी गाड़ी पे आके वाइपर मार देते हैं। और वो पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ से नहीं लेके आ रहे, उसमें क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं है। मोर ओवर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा ही दुख लगता है यार ये देख के कि ये गलत हो रहा है। आपको अगर ये लगता है गलत हो रहा है तो कमेंट डाउन करके बताना। चलो फिलहाल चलते हैं और आपको बढ़िया से गाने सुना। भाई आज का ब्रेकफास्ट ना प्रांजल भैया की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, और ये मिलो बेदर भाई से इनकी तरफ से भी स्पॉन्सर्ड है। और मेरे को ना हैरानगी इसलिए हो रही है कि ये देसी बालक होके ना ये मुझे आज साउथ इंडियन खिला रहे हैं। कुछ तो बोल लिया करो। बादाम पिलाए तो है अभी। सही बात कह रहे हो। हाँ ये जो यहाँ पे हम जैगरनॉट के ना बादाम पी रहे हैं। भाई ऐसा ना हर वीकेंड का प्लान करते हैं ब्रेकफास्ट करने का अलग अलग जगह में, क्या कहते हैं? मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया। तो भाई अब हर वीकेंड ना आप हमारे को साथ में देखोगे अलग अलग जगह ब्रेकफास्ट करते हो, और हर हर रेस्टोरेंट को जाके ना हम रिव्यू करेंगे कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं। एज यूजुअल प्रिंस आज भी लेट है, और हम आज भी जहाँ पे जाना है वहाँ पे लेट पहुँचेंगे। बट एनी वेज अभी हमने इन्फॉर्म कर दिया है भाई ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट है। आप सोचो 10 बजे निकलना था और अभी हो गए हैं ऑलमोस्ट 11:30 और अभी भी नहीं पहुँचे हैं। 1.5 घंटा ये लेट हैं, और अब जाना पड़ रहा है ए ब्लॉक पे। मेट्रो पे आ रहे हैं, अब यहाँ से निकल रहा हूँ ए ब्लॉक से। अराउंड कितने 4 मिनट लगेंगे? पहले आया था सो आना कितने बजे सी? 11 बजे टाइम नहीं सी? 10 बजे का टाइम सी? 11 बजे दस सी? 10 बजे का टाइम सी? 11 बजे 10। चलो 11 बजे तो अभी टाइम कितना होया? हाँ थोड़े लेट हो गए। हाँ भाई पहले सॉरी बोलो। सॉरी क्यों? और क्या लेट, वो लेट है कहाँ से? वो बोल रहे तुमने 11 बजे बताया उनको? भाई मैं 9:30 बोला था मैंने। अच्छा झूठे आदमी। भैया कह रहे जीरो चेक कर लो, मैंने कहा है हमारे पास एक पीछे, ये देखो ये आ गया नजर। 100 बोलो 100। 100 में कितने जीरो होते हैं फ्रेंड्स? पारी देख रहे हो? बताओ 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? बता के दिखाओ, बता के दिखाओ। तो भाई फ्यूल अप करा रहे हैं टैंक में। क्या दिखा रहा था? 60 कुछ रेंज दिखा रहा था अभी, और अराउंड हमारे को जाना होगा 300 किलोमीटर। भाई टैंक तो फुल कराना पड़ेगा। ये कितने में हो जाएगा फुल? कितने के टैंक है?
कितने में होना चाहिए आपके हिसाब से? कितने का टैंक है यार? टैंक आप बताओ ना, आप तो रोज गाड़ी भर रहे हो। 5-6 हज़ार रुपए में भाई। वेलकम टू मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन है 217 किलोमीटर और पहुँचने में लगेंगे 2 घंटे 38 मिनट। तब तक आप टिके रहो हमारे साथ और एंजॉय करो यहाँ के व्यू को और हमारी गपशप को। भाई जबरदस्त धूप हो रही है भाई, जबरदस्त धूप, इसे कहते हैं बढ़िया वाली गर्मी। ठंड लग रही है, है? भाई हम यहाँ रुके हैं अच्छा सा एक थंबनेल की फोटोग्राफ के लिए। बढ़िया सा थंबनेल बनाने के लिए ना फोटोग्राफी बढ़िया होनी चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के अपनी फोटोग्राफ डाल देते हैं आपके लिए, लेकिन आज बढ़िया वाला थंबनेल। ओ हो, नए जूते। पानी में पार्टी पेंडिंग है ना हिंदी? पार्टी पेंडिंग है ना, याद है? हाँ भाई, इस गाड़ी का जो ड्रैग कोफिशिएंट है ना, मतलब जो गाड़ी की हवा काटने का वो है ना, वो है अराउंड 70, विच इज़ वेरी वेरी बैड। और जिसकी वजह से ना इसमें विंड नॉइज़ बहुत आती है। अभी देखो सुनो, मतलब एक बार एक कान लगा के सुनो। तो जिसकी वजह से ना थोड़ा सा स्टेबिलिटी में फ़र्क भी पड़ता है। हालांकि गाड़ी का जो बाकी EBD ESC सिस्टम है वो बहुत बढ़िया काम करता है और गाड़ी के ना बड़े टायर भी दे रखे हैं, स्टिल यू विल फील कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है बाहर, और जबकि गाड़ी की स्पीड है 120 की। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी बहुत आवाज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हो सकता है बाहर हवा भी बहुत तेज़ चल रही हो, एक ये रीज़न भी है। भाई टेम्परेचर हो रहा है अराउंड 46, गाड़ी हमने लगा दी है यहाँ पे और ब्रेक ले रहे हैं भाई मैकडोनल्ड पे कुछ खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाड़ी के अंदर से निकलते साथ ही ना पता चल रहा है गजब का भपका आया भाई, गजब का। इट्स वेरी हॉट, चलते अंदर पानी वानी लेते भाई। भाई फूड इज हियर। इसमें से वो वाला कौन सा है, वाटरमेलन वाला? ये तेरा वाटरमेलन थोड़ा है, तेरा पीच है। तो भाई जस्ट टू बीट द हीट हमने लिए है आइसक्रीम, यू नो बहुत ज़रूरी है भाई, इतनी गर्मी में आइसक्रीम तो लगती है। वहाँ देखो प्रिंस का हमने लैपटॉप ही छोड़ दिया था, यहाँ मैकडोनल्ड वाले को दान दे गया और साथ में देखो इसकी शेक ही नहीं खत्म हो रहे। अभी इसने पिया देखो आइस के ऊपर से पीरा स्ट्रॉबेरी शेक। इसने क्या किया हुआ, ये रॉन्ग साइड से आया हुआ पक्का, 200% इधर से आया हुआ और रोड क्रॉस करने के चक्कर में खराब हो गया मामला उसका। अरे वो इधर से उतरा होगा ना, ऐसे कैसे हो सकता? अरे क्यों नहीं आ सकता पानी, मैं यहाँ से तो उतर के जा ही सकता हूँ, इधर वाले से उतर के जा ही सकते हैं ना। अगर वो ट्रक ऐसे घूमता ना तो ऐसे पलट जाता, ऐसे पलटता होता 101%। हो सकता है भरा हुआ ना हो खाली। अरे पानी तब भी ऐसे पलटता वो। प्रिंस तेरे मतलब के गाने आ। भाई हमारा यहाँ आने का रीजन ना ये वाला बोर्ड है, तो अब बाकी कहानी आपको बाद में सुना। भाई पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, थोड़ा सा रास्ता खराब है भाई, थोड़ा सा मतलब रास्ता अराउंड 5 किलोमीटर का खराब होगा। 19-20 का ही फर्क है, 19-20 का ही फर्क। पहुंच गए भाई अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ आके एकदम से ना जज्बात पलट गए भाई सारे। वो है ना लिखा है द लग्जरी कलेक्शन। अब ये बताएगा नहीं कहाँ जाना है, ले चलो कमरे तक जाती हो गाड़ी पर। The next day we are back to Delhi। जिस काम और पर्पस के लिए गए थे वो हो नहीं पाया और थम गॉट रीज़न। ये जो रीज़न है ये बेसिकली क्या रहा वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँ। फिलहाल टाइम हो गया सुबह के 6, कहीं बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता तो बता देना भाई, कमेंट डाउन कर देना, वो हम वैसे खा लेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपका ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लेंगे। बाकी ट्रिप ठीक ही रहा, मतलब कोई इतना अमेजिंग नहीं रहा। एक दिन में आना हेक्टिक तो हो ही गया। बट ये सुबह का जो सनराइज़ देखने आया, मतलब ये एनर्जी लेके आ गया भाई, जो मर्जी खाओ। ये जो सुबह की लाली आई है ना